बिग बॉस के हर सीजन में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल फिगर पार्टिसिपेट करता है। घर में कंट्रोवर्शियल लोगों का आना तो काफी नॉर्मल बात होती है, लेकिन घर में आने के बाद वो जो हंगामे करते हैं वो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। बिग बॉस के घर में कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट आए जिन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसी लड़ाइयां मोल ली जो हमेशा के लिए सुर्खियों में बनी रहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कौन है बिग बॉस का सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट। बिग बॉस के घर में अपने को कंटेस्टेंट्स के ऊपर पेशाब फेंकने से लेकर खुद को स्वामी बताने वाले स्वामी ओम हर गलत रीजन की वजह से बिग बॉस के सीजन में खबरों का हिस्सा बने रहे। स्वामी ओम ने न सिर्फ बिग बॉस की ऑडियंस को बल्कि सलमान खान को भी कर दिया था नाराज। यहां तक कि सलमान खान ने चैनल को चेतावनी दी थी कि अगर स्वामी ओम इस चैनल पर कभी भी नजर आए तो वो इसके साथ काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि घर से बाहर आने के बाद स्वामी ओम ने कहा कि वो शो का फिनाले नहीं होने देंगे। हालांकि उनकी बातें हवा में ही रह गई और शो के विनर बने मनवीर गुर्जर। बिग बॉस के घर में खुद को स्वामी ओम की बेटी कहने वाली प्रियंका जग्गा के ड्रामे भी खूब चर्चित रहे। यहां तक कि प्रियंका को शो के बीच में ही निकाल दिया गया था। प्रियंका अपने को कंटेस्टेंट्स के साथ काफी गलत ढंग से व्यवहार करती थी। शो में उनका ये अंदाज बिग बॉस के फैंस के साथ साथ ऑडियंस को भी बहुत बेकार लगा। यहाँ तक कि जब सलमान खान उन्हें समझाने गए तो उन्होंने सलमान से कहा कि आपको आपका शो मुबारक हो। यही नहीं बल्कि प्रियंका दूसरे कंटेस्टेंट से ये कहती हुई नजर आए कि उन्हें सलमान खान से नहीं डर लगता। केशवर मर्चेंट को बिग बॉस जीतने की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता था, लेकिन वो गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में बनी रही। न सिर्फ मंदना के साथ उनकी लड़ाई बल्कि एक टास्क के दौरान कीश्वर ने ऋषभ सिन्हा के पानी मांगने पर वो पानी उन्हें थूक कर दे दिया था, जिसकी वजह से कीश्वर के फैन फॉलोइंग में काफी कमी आ गई थी। यही नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि शायद यही वजह रही कि कीश्वर ये शो नहीं जीत पाई। बिग बॉस 8 के दौरान सोनाली राउत ने खुद पर इंसल्टिंग कमेंट्स करने के लिए अली कुली मिर्जा को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अली ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और बिग बॉस की छत पर चढ़ गए ताकि वो घर से बाहर जा सके। उनका कहना था कि सोनाली का ऐसा करना गलत है और बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद बिग बॉस ने सोनाली को नॉमिनेटेड कर दिया। तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली के प्यार की तरह ही गौहर और कुशाल का प्यार भी बिग बॉस के घर में काफी फेमस हुआ था। यहाँ तक कि कुशाल टंडन अक्सर गौहर के लिए दूसरे घर वालों से पंगे ले लिया करते थे, लेकिन वीजे एंडी के साथ उन्होंने जो पंगा लिया वो उनके लिए काफी महंगा पड़ गया। दरअसल गौहर खान को गलत ढंग से छूने पर वीजे एंडी और कुशाल टंडन के बीच लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कुशाल ने वीजे को मारने तक की धमकी दे दी, जिसके बाद बिग बॉस को कुशाल को घर से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने वाइल्ड कार्ड से एंट्री ले ली। बिग बॉस के सीजन 7 में तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली के बीच का प्यार इतना बढ़ गया कि हेडलाइन की सुर्खियों में आना शुरू हो गया। यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि लाइट बंद होने के बाद दोनों काफी कोजी नजर आते थे। ऐसे में अजय देवगन, जो कि तनिषा के जीजा हैं, उन्होंने सलमान खान से कहकर उन्हें घर से बाहर कर लिया था। रियलिटी टीवी इंडस्ट्री में पूजा मिश्रा ऐसा नाम है जिनका विवादों के साथ काफी गहरा नाता रहा है। पूजा बिग बॉस के घर में हर रोज किसी ना किसी से बेवजह उलझ पड़ती थी। यहां तक कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी उन्होंने कई आदमियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि ये बात हर बार गलत साबित हुई। बिग बॉस के घर में अगर सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी की बात हो रही हो तो डॉली बिंद्रा का नाम आना लाजमी है। डॉली ने बिग बॉस के घर में मनोज तिवारी से अंडों को लेकर जो लड़ाई की थी वो काफी चर्चित हुई थी। उनका ये डायलॉग मेरे बाप पर मत जाना भी काफी फेमस हुआ था। बिग बॉस के घर में केआरके यानी कमाल आर खान का काफी गलत रवैया देखने को मिला। रोहित वर्मा के साथ उनकी जो लड़ाई हुई उस दौरान उन्होंने उनके ऊपर एक बॉटल फेंका, जो बॉटल शमिता शेट्टी को जाकर लगा था, जिसके बाद बिग बॉस को उन्हें घर से बाहर करना पड़ा। बिग बॉस के घर में पहले हफ्ते ही गालियों की बरसात करने वाले जुबैर खान को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन घर से बाहर आते ही उन्होंने सलमान खान पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। जुबैर का कहना था कि सलमान ने उनका करियर खत्म करने की धमकी दी है, जिस वजह से उन्होंने पुलिस केस दर्ज करा दिया। बिग बॉस के घर में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हिना खान ने खुद के लिए सुर्खियां ना बटोरी हो। सबसे पहले उन्होंने साउथ इंडियन एक्ट्रेस के वजन पर कमेंट कर खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, और अब हाल में ही उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साक्षी तनवर, गौहर खान और संजीदा शेख पर भद्दे कमेंट्स करती हुई नजर आ रही हैं। हिना के इस व्यवहार से ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि उनके फैन फॉलोइंग में भी काफी कमी आई है। तो ये थे हमारी तरफ से बिग बॉस के सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।